अगर आप भी ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट किए हो और अपना इन्वेस्ट किए हुए SIP फंड को किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर करना चाहते हो या स्विच करना चाहते हो तो कैसे करोगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि ट्रांसफर करने के कितने चार्जेस लगते हैं। तो अगर अपने चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से अपना इन्वेस्टेड SIP फंड को किसी दूसरे फंड में स्विच करते हैं ग्रो ऐप में। तो ग्रो ऐप में SIP फंड को किसी दूसरे फंड में स्विच या ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है और ग्रो ऐप ओपन करते वक्त पिन मांगता है तो पिन डालकर लॉग इन कर लेना है। और जैसे आप ग्रो ऐप के होम स्क्रीन में चले जाते हो तो सबसे पहले आपको नीचे में म्यूचुअल फंड और उसके बाद ऊपर में डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को सेट कर लेना है और स्क्रॉल करके नीचे तरफ आना है और यहां से आपको उस फंड को सिलेक्ट करना है जिस फंड को आप दूसरे फंड में स्विच या ट्रांसफर करना चाहते हो। तो एग्जांपल तौर पर यहां पर मैं एक फंड सिलेक्ट लेता हूं, निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो यहां पर मैं इसको सिलेक्ट लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे में डिटेल्स मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपका SIP फंड का पूरा डिटेल्स शो करेगा। तो आपको यहां पर स्विच का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहां पर आपको स्विच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर फंड स्विच करने के चार्जेस शो करते हैं। तो अलग अलग फंड के अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं ग्रो ऐप के द्वारा। तो फिलहाल में यहाँ पर मेरा 0 चार्जेस शो कर रहे हैं। तो अब आपको नीचे में कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पर रिकमेंड किए हुए फंड के राइट साइड में आपको 3 ईयर का रिटर्न परफॉर्मेंस दिख जाएगा। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से जिस भी फंड में आप स्विच करना चाहते हो उस फंड को सेट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर मैं निपुण इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड को सेट कर लेता हूँ और फंड सेट करने के बाद अगर फिर से आप चेंज करना चाहते हो फंड को तो यहाँ पे आपको चेंज फंड वाले ऑप्शन क्लिक करना है और फिर से यहाँ से आपको उस फंड को सेलेक्ट करना है जिस फंड में आप स्विच करना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट फंड को। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद स्विच करने के लिए आपको नीचे में कन्फर्म स्विच वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा तो आपको यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन क्लिक कर देना है और उसके बाद स्विच ऑर्डर रिक्वेस्ट जो है चला जाता है। और अगर आप स्विच ऑर्डर रिक्वेस्ट ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर वाला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका फंड जो है स्विच हुआ या नहीं। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन्वेस्टेड फंड को किसी दूसरे फंड में स्विच कर सकते हो ग्रो ऐप में। तो अगर अभी भी आपका मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर।